हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था स्टार्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ रोबोट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द रोबोट, कि रोबोट्स के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं, राइट। जिसके अंदर से हमने कंट्रोलर्स एंड एम इफेक्टर्स को डिस्क्राइब किया, रीड किया, समझा हमने, ठीक है। आज जो टॉपिक रहेगा उससे नेक्स्ट को हम प्रिसीड करेंगे, जितने भी बचे टॉपिक्स उसको डिस्कस करेंगे। जो थर्ड हमारे पास पार्ट आता है रोबोट का, वो होता है अट्रैक्टर्स, ठीक है। अट्रैक्टर्स क्या काम करते हैं, अट्रैक्टर्स क्या होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटर। ये एक इंजन की तरह, एक मोटर की तरह काम करता है, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्निंग और द कंट्रोलिंग। किसके लिए ये यूज़ किया जाता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मॉर्निंग करने के लिए और कंट्रोलिंग करने के लिए। देखो, कंट्रोल तो कंट्रोलर भी करता है, कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोलर भी करता है पूरे सिस्टम को, बट वो एज अ किसकी तरह काम करता है, ब्रेन की तरह। वो उसके लिए ब्रेन की तरह काम करता है कंट्रोलर किसी रोबोट के लिए, कि जो भी नर्व सिस्टम होगा, जो भी जिस भी टास्क परफॉर्म करना होगा उसके लिए जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे वो किसकी तरफ से आएंगे, कंट्रोलर की तरफ से। बट जो अट्रैक्टर्स हैं ये किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटर। ये एक तरह का मोटर है, एक तरह का इंजन है जो उसको स्टार्ट करता है, उसको काम में लगा रहता है, यानी कि वर्किंग करता रहता है। अगर मोटर वर्क करती रहेगी तो जो रोबोट है वो भी चलते रहेंगे, बाई चांस मोटर अगर खराब हो जाती है तो वो भी बंद हो जाएंगे। लाइक हमने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में एक टॉय का, जो रोबोट कार थी। रोबोट कार को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, रोबोट कार को चलाने के लिए हम रोबोट कार के अंदर भी बैटरी डालते हैं, सेल डालते हैं, और जिससे हम उसको कंट्रोल करते हैं, जो उसका कंट्रोलर होता है रिमोट, उस रिमोट के अंदर भी हम क्या डालते हैं, सेल डालते हैं। यानी दोनों में, कंट्रोलर में भी सेल होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा है रिमोट में, और जो कार है टॉय कार रोबोट का उसके अंदर भी बैटरी डलती है ताकि वो भी चलती रहे। उसी तरह से यहाँ पर अट्रैक्टर्स हैं, वो मोटर की तरह काम कर रहे हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हो सेल की तरह काम कर रहे हैं। अब इतने बड़े उसमें सेल तो डलेगा नहीं रोबोट में, तो यहाँ पर मोटर लगेगी, इंजन लगेगा जो वर्क करता रहेगा, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोलिंग करने के लिए। इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे ये ऑपरेट करता है, ये तो हमने देख लिया कि ये काम क्या करता है, क्या होता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट बात क्या है कि ये कैसे ऑपरेट किया जाता है। इट इज ऑपरेटेड, कौन ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट करता है इसको, सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू। यानी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से उसको एनर्जी मिल रही है किसी भी सोर्स से, तब जाकर वो उस मोटर को रन करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या एयर हो, किसी भी टाइप की एनर्जी वो हो सकती है। टिपिकली इलेक्ट्रिक करंट, हाइड्रोक्लोरिक फ्लड प्रेशर्स एंड कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द मोशन। क्या होता है इसके पास, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक फ्लड प्रेशर्स एंड कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, इन सबको मिलाकर प्रेशर को करंट को वो एक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वो एनर्जी कौन सी होती है, मोशन एनर्जी। यानी कि जो एनर्जीज है उनको कन्वर्ट करके वो एक ऐसी एनर्जी बना देता है जिससे रोबोट जो है मोशन कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं सेंसर्स। सेंसर्स तो आप सभी को पता है किसके लिए यूज किए जाते हैं, सेंस करने के लिए। डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, नोज है, टंग है, हैंड है, अलग अलग टाइप के सेंसर्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रोबोट ऑफ द टुडे आर नियरली द डेफ एंड ब्लाइंड। जैसे कि मोस्टली जो रोबोट्स होते हैं वो डेफ होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ना उनको कुछ दिखता है ना उनको सुनता है। जो रोबोट्स बनाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, रोबोट्स की, कि रोबोट्स जो आजकल बनाए जाते हैं वो मोस्टली ऐसे होते हैं, डेफ भी होते हैं, ब्लाइंड भी, यानी ना उनको सुनता है ना दिखता है, ठीक है। सेंसर्स कम प्रोवाइड फ्रॉम द लिमिटेड फीडबैक टू द रोबोट सो इट कैन डू इट्स जॉब। यहाँ पर क्या होता है, सेंसर जो होते हैं वो उसको एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, सेंसर जो है यहाँ पर एज अ इनपुट काम करेगा। यानी कि जैसे एक रोबोट है और एक पर्सन है, उसने उसको इनपुट दे रहा है, ह्यूमन ने या फिर यूजर ने एक रोबोट को इनपुट दे रहा है, तो वो किसके थ्रू देगा, सेंसर्स के थ्रू देगा। सेंसर करेगा ना किसी चीज़ को, सेंस करने से क्या होगा, वो जो इनपुट जा रहा है रोबोट के अंदर एज अ फीडबैक की तरफ फीड हो जाएगा, एंड रोबोट जो है उस काम को करेगा एज अ जॉब, ठीक है। सेंसर्स की तरह वो काम करता है। जैसे आपने अब एग्जांपल लिया कि रोबोट कार होती है, रोबोट कार को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, कौन होता है रोबोट कार को कंट्रोल करता है, जो रिमोट, उस रिमोट के थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर हमें लेफ्ट मूव करना है उस कार को तो लेफ्ट मूव करेगी, राइट मूव करना है तो राइट मूव करेगी, अपने आप तो नहीं करेगी ना, ना उसको सुनता है ना उसको दिखता है, उसको कुछ नहीं होता ना वो बोलती है, जो रोबोट कार होती है। तो बात कैसे उसको, कैसे उसको कनेक्शन मिल रहा है कि उसको लेफ्ट जाना है राइट जाना है, वो तो उस रिमोट से पता लग रहा है ना उसको। और रिमोट कौन दबा रहा है, रिमोट को कौन चला रहा है, यूजर चला रहा है, यानी यूजर की तरह ही, यूजर ही इनडायरेक्टली उसको कंटेन कर रहा है, इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर वो रोबोट को, जो कार है हमारी, उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवाना चाहता है तो वो रिमोट से लेफ्ट बटन प्रेस करेगा, अगर राइट की तरफ मूव करना है तो राइट, बैक करना है तो बैक, एंड फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड का बटन जो है वो प्रेस करेगा, ठीक है।
तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर सेंसर हो रहा है। उस रोबोट कार को सेंस कैसे मिल रही थी, जो एंटीना लगा होता है ना रिमोट के ऊपर, एक एंटीना होता है पतले से वायर के थ्रू एंटीना होता है, वो एंटीना जब तक काम करेगा तब तक उस सेंसर मिलती रहेगी, सेंस करती रहेगी वो रिमोट कार, उसी के थ्रू वो चलता है। वो किसी के बटन प्रेस होने से नहीं चलता, उस बटन प्रेस होने पर जो कोडिंग है प्रोग्रामिंग की गई है वो किसके थ्रू जाती है, जो एंटीना लगा होता है उसके थ्रू कहाँ तक पहुंचते हो, रोबोट कार तक। ऐसे ही यहाँ पर रोबोट के साथ होता है, सेंस करके वो फीडबैक लेता है और उस फीडबैक को एज अ वर्क की तरह वो परफॉर्म करता है। द सेंसर सेंड द इन्फॉर्मेशन, जो सेंसर है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, तभी तो वो एज अ फीडबैक की तरह फीड होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो इन्फॉर्मेशन अब रोबोट के पास जा रही है सेंसर में, वो किस टाइप की है, किस तरह से जा रही है, वो जाती है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है, बैक टू द कंट्रोलर। और किसके पास चली जाती है, उसके कंट्रोलर के पास, जैसे ब्रेन की तरह काम कर रहा है किसी भी रोबोट के लिए। दे ऑल्सो गिव द रोबोट कंट्रोलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग। ये कंट्रोलर क्या करते हैं, कंट्रोलर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर आसपास की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन, वो रोबोट तक पहुँचाता है एंड लेट इट नो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ योर आर्म एंड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड इट। यानी कि उसके उसकी खुद की पोजीशन कहाँ है, रोबोट इस टाइम कहाँ है और उसके आसपास के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, कोई भी थिंग है, ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ है, यानी उसको सेंस करने की शक्ति कौन दे रहा है, यहाँ पर कंट्रोलर दे रहा है। कंट्रोलर तो दे रहा है, कैसे दे रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू दे रहा है, वो ऐसे फीडबैक की तरह रोबोट में फीड हो रहा है और रोबोट जो अपने काम को कर रहा है, उसको इनपुट मिल गया तो वो आउटपुट तो देगा ही, ठीक है। और ये सब होता किसके थ्रू है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। मैनिपुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, द मैनिपुलेटर्स इज द आर्म इटसेल्फ। मैनिपुलेटर भी एज द आर्म की तरह काम करते हैं रोबोट सिस्टम के लिए, विच मे बी इनफ्लेक्सिबल और जॉइंटेड। ऐसे भी हो सकता है कि वो फ्लेक्सिबल हो और ऐसे भी होता है वो जॉइंटेड हो, यानी फिक्स्ड हो, विच आर स्लाइडिंग एंड रोटेटरी जॉइंट, ठीक है। यानी कि साइड में तो मूव कर सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट तो मूव कर रहा है, आगे फ्रंट में एंड लेफ्ट में मूव कर रहा है, बट एक ह्यूमन हैंड की तरह। अगर हम कह रहे हैं कि वो रोटेटरी है, यानी कि वो पूरा 360 की तरफ मूव कर सकता है, पूरी की पूरी आर्म जो है रोबोट सिस्टम की वो 360 मूव कर सकती है। मैनी बट नॉट ऑल, यानी ज्यादातर बट सबके सब नहीं, रिसेम्बल ह्यूमन आर्म, जो ह्यूमन का आर्म होता है उसको रिसेम्बल करते हैं, एंड शुड बी शोल्डर्स आईब्रोज ब्रिस्ट। यानी कि अगर हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें तो उसके अंदर उसका जो आर्म होता है वो ह्यूमन आर्म की तरह ही होता है, शोल्डर ह्यूमन शोल्डर की तरह है, आईब्रोज एंड ब्रिस्ट वो भी किसकी तरह है, ह्यूमन की तरह। इवन फिंगर्स तक जो होती हैं, फाइव फिंगर्स लेफ्ट में, फाइव राइट में, ये सब भी सेम होती है उस रोबोट में। दिस गिव द रोबोट अ लॉट ऑफ वे टू पोजिशन इट मे बी रोबोट, ठीक है। यही जब जो जो चीज़ें हैं, जो जो पार्ट्स हैं रोबोट के अंदर, वो उसको हेल्प करती है कि ये चेक करने में किस एनवायरमेंट में वो किस पोजिशन पर है, यानी उसके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। ईच जॉइंट इज सेट टू बी द रोबोट वन डिग्री ऑफ द फ्रीडम। हर एक जितने भी उसके अंदर जॉइंट्स होंगे उसको हम रोबोट वन, रोबोट टू के नाम से जानेंगे, क्योंकि वो भी एक अलग से हार्डवेयर पार्ट है जो एक दूसरे हार्डवेयर से कनेक्टेड है, ठीक है। सो इट्स सिंपल टू द रोबोट आर्म विद द 3 डिग्री। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो रोबोट के आर्म जो है वो कितने डिग्री में है, 3 में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड, 3 डिग्रीज में वो मूव कर रहा है। वो फ्रीडम कुड मूव इन 3 वेज, ठीक है, 3 वेज में कर रहा है, अप डाउन, लेफ्ट राइट, अप डाउन, लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मोस्ट वर्किंग रोबोट टू आर द 6 डिग्री। आजकल जितने भी वर्कर, जितने भी रोबोट्स बनाए जा रहे हैं वो 3 की जगह 6 डिग्री में बनाए जा रहे हैं। टॉप बॉटम राइट लेफ्ट तो करेगा, 360 मूव करना चाहता है तो 360 भी वो मूव कर सकते हैं, यानी सर्कल की तरफ। तो सिंस ये तो हमारा आज का टॉपिक, बट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द रोबोट, जिसके अंदर से हमने डिफरेंट टाइप के पार्ट्स को डिस्कस किया है, सेंसर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, अट्रैक्टर्स हैं, कंट्रोलर्स एंड एंड इफेक्टर्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।